So, students, let's revise the postulates which we have done yesterday again. Now, see on page number 82. Postulate 1. Postulate 1 says, a straight line may be drawn from any one point to any other point. It is very simple. There is one point. There is another point. A straight line will be drawn from one point to any other point. This is postulate 1. Second is, a terminated line can be produced indefinitely. What does it mean? It means like we are having a line, right? Suppose we take any part of that line. मैं उसमें से ये ए बी आई विल टेक अ पार्ट ऑफ अ लाइन वी से अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज अ लाइन सेगमेंट राइट सो इट मींस अ टर्मिनेटेड लाइन मींस इफ वी टेक एनी पोर्शन फ्रॉम अ लाइन राइट देन दैट पोर्शन इफ वी वांट टू एक्सटेंड जैसे हम कोई ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं उसमें हमारे पास फिगर होती है ट्राइंगल ऐसे अगर हम अपने फिगर को सॉल्व करने के अकॉर्डिंग इसको एक्सटेंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं कर सकते हैं ना तो बस यही है मतलब कि कोई अगर टर्मिनेटेड लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स हैं इफ वी वांट टू एक्सटेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट कैन बी एक्सटेंडेड कोई भी लाइन है जनरल एक लाइन है ठीक है इतनी सी थ्रेड है अगर हम उसमें और ऐड करके उसको एक्सटेंड करना चाहें तो उसको कर सकते हैं थर्ड इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस ऑब्वियसली If we have to draw a circle of any radius, 4 cm, 5 cm, 3 cm, तो कोई कहीं भी सेंटर लो सर्कल बना दो कहीं भी सेंटर लो सर्कल बना दो ऐसे तो नहीं कि फिक्स ही है That the point which we will take after completing the circle, that point will be fixed. कि हाँ जी उस सर्कल का वो सेंटर है Otherwise बनाने के लिए हम कहीं से भी पॉइंट ले सकते हैं और ना पूरा बोर्ड है मैं कहीं पे भी सर्कल बना सकती हूँ कहीं भी सेंटर ले सकती हूँ कोई फिक्स तो नहीं है कि यहीं पे सेंटर लेना है ठीक है नेक्स्ट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर ऑब्वियसली राइट एंगल क्या होते हैं 90 अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 तो ये भी 90 हम लिख सकते हैं ये 1 2 3 4 ऑल आर 90 सो वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 3 एंड इज इक्वल टू 4 ठीक है सो दीज वर 4 पोस्टुलेट्स नाउ कम टू द 5th पोस्टुलेट बच्चे लेट अस रीड इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस इट इज ऑन पेज नंबर 82 इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles ye dekho idhar board pe dekhenge sab bacche kehte ki hamare paas do lines hain two straight lines And a straight line is passing through that two straight lines means एक दो lines है और एक क्या है transversal. आगे कहते हैं कि अगर angles on the same side of it, interior angles on the same side of it means of the transversal. Interior angles on the same side of transversal को हम क्या बोलते हैं Co-interior angles, right? तो वो कहते हैं कि अगर ये को इंटीरियर एंगल्स आप लोगों ने पहले 7th-8th में किया हुआ है कि ये जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है 180 अगर इनका सम 180 है तो ये लाइंस क्या हैं पैरेलल पूरी बात सुनो सपोज मैं ऐसे फिगर बना दूं देयर आर टू लाइंस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल Now, what type of angles are angle 1 and 2? Tell me. अब angle 1 और angle 2 कैसे angles हैं?
Who will tell? Yes, this is Riddhima. कौन है? Riddhika, sorry. बोलो बच्चों. मैम co-interior angles. Yes, co-interior angles. क्या इनका सम 180 है? Riddhika? Yes, ma'am. 180 है? Anyone else? No, ma'am. Because parallel lines are not. Yes. They are not parallel lines. They are not. Yes, बेटा. अब कोई भी दो लाइंस हैं, जैसे ये दो लाइंस हमने बनाई, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल. अब एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, दो लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑब्वियसली को इंटीरियर एंगल्स, वो कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स. लेकिन को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 नहीं है, इसका मतलब वो लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है. और अगर सम 180 है तो लाइंस पैरेलल है. यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? कहता है कि अगर दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस, और एक लाइन उनको पास कर रही है, तो देन जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर उनका सम 180 से कम है, देन ऑन प्रोड्यूसिंग दैट लाइन, सपोज ये है 92 और ये है 90, या ऐसे ले लो 102 और ये ले लो 84 या 82, कितना हुआ सम 184, है ना. इसका मतलब सम 180 नहीं है. तो अगर हम इन लाइंस को देखने में लगता है पैरेलल, लेकिन क्योंकि सम 180 नहीं है, इसको जब आगे प्रोड्यूस करेंगे ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगी एंड द लाइंस विल नॉट बी पैरेलल. बात समझ में आ गई? तो इस पोस्टुलेट को आप अपने वर्डिंग्स में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है सेम टू सेम लर्न करना. यू कैन राइट इन योर ओन वर्डिंग दैट इफ देयर आर टू लाइंस एंड देयर इज अ ट्रांस एंड अ लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो, क्योंकि ट्रांसवर्सल का मतलब ही ये होता है कि अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. If there are two lines and a transversal and there is a transversal, if the sum of co-interior angle is less than 180, then the lines will not be parallel. And if bas itna, yeah, in other way, if the sum of co-interior angle is 180, then the lines are parallel. Okay? जब आप notebook में लिखोगे आप यही लिख लेना, otherwise it is your wish. ठीक है, paper में कई बार आता है write. What is Euclid's fifth postulate? तो जरूरी नहीं है लाइन टू लाइन लिखना. अपनी आपको समझ आ गया है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्डिंग्स. अगेन आई विल सी इफ इफ अ ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, देन इफ द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, देन द लाइंस व्हेन प्रोड्यूस्ड विल इंटरसेक्ट विद ईच अदर. और if the sum of co-interior angle is 180, then the lines will not intersect with each other. They are parallel lines. Yes, Aparan? Ma'am, agar ye two jo lines hain, inka co-interior angles ka sum more than 180 degree hota hai, jaise yahan pe 184 hai, to phir bhi wo intersect karenge. Intersect nahi karenge, I think wo aise jayenge. लेस देन 90, लेस देन 180 लेके चलो, लेस देन 180, सॉरी, ठीक कह रहे हो. मतलब अगर मोर देन 180 है, ठीक है, फिर वो पैरेलल तो नहीं है. आप लेस देन 180 लो, ये 80 और 70. इंटरसेक्ट जब लिखना है तो आपने लिखना है लेस देन 180. लेस देन 180 होगा ना तो ऐसे करके आगे जाके इंटरसेक्ट कर, ऐसे करके इंटरसेक्ट कर जाएंगे कहीं ना कहीं जाते जाते. अगर मोर देन 180 होगा तो फिर ऐसे ब्रॉड होते जाएंगे, पैरेलल नहीं होंगे लेकिन ऐसे ब्रॉड होते जाएंगे. ठीक है, यू आर राइट अपरन. तो आपने कौन सा एंगल्स मेजर करने हैं? यू विल राइट इफ द पॉइंट सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल इज नॉट 180, देन द लाइंस विल इंटरसेक्ट. इफ द सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल इज 180, द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट. बस मोर देन लेस देन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब मोर देन में जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपने बोलना है इफ इट इज नॉट 180 then it will intersect. If it is 180, then it will not intersect. Right? Haan ji, any doubt?
So all the postulates you have to learn, all the axioms you have to learn. Further, आगे देखो बच्चे, now we will do exercise 5.1, examples we will do later on, पहले exercise के questions करेंगे. देखो एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. यस, ऑफ कोर्स इट इज फॉल्स. फॉल्स. Because if there is a single point, then how many lines can pass through that single point? Infinite. ठीक है? यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में बच्चे that if the statement is false, then you have to give the reason. अभी reason लिखने की जरूरत नहीं है, because you are big enough कि आप reason अपने आप लिख सकते हो. पेपर में आएगा give reason, तो false के बाद reason लिखना है. You will write false. As infinite number of lines can pass through a single point. If you wish to write now also, you can write. Reason dena zaruri hai agar pucha. Next, second part. There are an infinite number of lines which passes through two distinct points. False. False. मतलब दो points हैं. दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके करने की बातें कर रही हैं, और अगर हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, देयर इज ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन पास, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. फाइन. नेक्स्ट, अ डॉटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स. We have done this postulate. True. It is true. True. Yes. True. Fourth part. If two circles are equal, then the radii are equal. True. अगर दो सर्कल है, दोनों का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो वो सर्कल इक्वल साइज के होंगे. ठीक है? So it is true. Now see fifth part, बच्चे. Figure is given in the book. If it is, if any part is not clear to anyone, you can raise your hand and ask. बच्चे, और mute करो इकजोत, आरजू, धीरेन. फिर वो जो voice आती है ना, तो मुझे problem नहीं हो रही, आगे और बच्चों को होती है sometimes. शोर आता है फिर. My voice is not sometimes audible to all the students then. Next देखिए, if AB is equal to PQ. And PQ is equal to XY. Then AB is equal to XY. True, false? True. Why? True. Lines equal to same line are equal to each other. Yes. इसमें जो हमने axiom किए, उसमें जो first वाला axiom है, things this you have to write down. जैसे true है ना? Sometimes ऐसे simple questions नहीं पूछते. अगर सपोज ये क्वेश्चन आता है बेटे, तो ऐसे पूछा जाएगा, why? Then AB is equal to XY, why? तो आप लिखोगे yes, तो reason देना पड़ेगा. Reason क्या है? Axiom. लिख लो यहाँ पर axiom one. I have told you that axioms का कोई particular number नहीं है, but axiom one लिखने का मतलब कि हमारे book में जो first point है axiom का, वो यहाँ पर apply होता है. You can write the full statement also. Excuse but in exam, you have to write the statement. ऐसे नहीं लिखना axiom one, axiom two ऐसे. Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो. Ma'am, terminated line कौन सी होती है? बेटा terminated line means which has which is a part of a line, ठीक है, and which has two points. Okay, ma'am.
सो फिफ्थ पार्ट का आंसर है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर टू. गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम. अब इसकी जो डेफिनेशन है बेटा पैरेलल लाइन ये मैं आपको भेज दूंगी. ठीक है अभी क्लास में नहीं हम करेंगे ये सारी डेफिनेशन. यू हैव डन इन योर लोअर क्लासेस. स्टिल आई विल सेंड यू. कहते आर देयर एनी अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड. जैसे पैरेलल लाइंस है परपेंडिकुलर लाइंस है ये सब से पहले हमें क्या पता होना चाहिए. हमें बताना चाहिए व्हाट इज अ पॉइंट, व्हाट इज अ लाइन, व्हाट इज अ रे. ठीक है तो ऐसे अगर पूछा जाए कि क्या कोई और टर्म्स हैं जो पहले इन इन इनसे पहले डिफाइन हो. यस पॉइंट लाइन रे. फिर इसकी डेफिनेशन देनी है दैट आई विल सेंड. ओके डेफिनेशन जरूरी नहीं है फेयर में लिखनी. आई विल जस्ट सेंड यू कैन जस्ट गो थ्रू. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. देखो क्या कहते कहते दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी. देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. सेकंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. ये कैसे हो गए कोलिनियर पॉइंट्स. ये कैसे हो गए नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर मींस बोथ द स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट. ठीक है आगे देखो इसके आंसर जो क्वेश्चन पूछा है. डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. राइट डाउन द आंसर. यस द अनडिफाइंड टर्म्स आर पॉइंट लाइन लाइन सेगमेंट पॉइंट लाइन लाइन सेगमेंट. सीधा हमें बता दिया कि लाइन है उसके बीच में पॉइंट है या वो एक सेम लाइन पे है या सेम लाइन पे नहीं है. जनरल कोई टर्म्स तो नहीं डिफाइन की. जो जो भी इसमें आ रहा है पॉइंट है लाइन है दीज आर दी अनडिफाइंड टर्म्स. स्टॉप हो गया. आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट. राइट डाउन. यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट एज. यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट एज दे टू डील विद द As they two deal with the two different situations. As they deal with the two different situations. मतलब एक जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बता रहा है. एक जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बता रहा है. तो दे बोथ हैव देयर ओन कंसिस्टेंसी देयर ओन वैल्यू देयर ओन स्टेटमेंट. दोनों की अपनी स्टेटमेंट है सो देयर फॉर दे आर कंसिस्टेंट. ओके नेक्स्ट है. डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट. सो राइट डाउन दे डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स. यूक्लिड पोस्टुलेट हमारा इसके बारे में कुछ नहीं कहता. हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम एक्सियम 5.1. 5.1 एक्सियम कल आपको बताया था क्या था.
कि जो गिवन, देखो पेज नंबर 82 पे, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देम, कि अगर दो पॉइंट्स हैं उनमें से वहां उनसे पास करती हुई एक लाइन है। तो ये जो हमें कंडीशन दी है कोलिनियरिटी की, नॉन कोलिनियरिटी की, दे डज नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात है। इज मैम, हां जी बोलो। मैम व्हिच एक्सियम दे फॉलो? हम व्हिच एक्सियम दे फॉलो? दोबारा बोल दे, नहीं सुन नहीं रहा। मैम व्हिच एक्सियम दे फॉलो? अगेन नॉट ऑडिबल। मैम व्हिच एक्सियम द क्वेश्चन फॉलोस? एक्सियम बेटा सी पेज नंबर 82, एक्सियम 5.1, जो एक्सियम की लिस्ट गिवन है ना पिछले पेज पे, उससे अलावा भी एक एक्सियम था ना? यस मैम। पोस्टुलेट 2 के ऊपर एक्सियम 5.1। यस मैम। कि दो पॉइंट्स हैं, जैसे ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो उनसे पास करते हुए एक लाइन है, देयर इज डिस्टिंक्ट लाइन व्हिच पास थ्रू दैट, राइट? ओके मैम। अब आ जाओ एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो जनरल हो गया ना, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते होते हैं खूब, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं इनके बेस पे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, बोर्ड पे देखो, AC is equal to BC, इसका मतलब C कहाँ है? मिडल में है AB के। If a point C lies between A and B, such that AC is equal to BC, ये हमें given है। Prove that AC is half of AB. हमें ये प्रूव करना है कि AC हाफ ऑफ AB क्या है, ये अंडरस्टूड है। If C is the midpoint, then that AC is half of AB. One minute. But here we need to prove this. So see, this is the solution. Write down this much. So now, further, क्या करेंगे? दोनों साइड AC ऐड कर देंगे, दोनों साइड AC ऐड कर देंगे, and we will write the axiom, if equals are added to equal, the wholes are equal. Write down. If equals are added to equals, wholes are equal. AC plus AC is twice of AC. From the figure you can see BC plus AC kya hai? AB. This implies AC kya hai? Half of AB. Note down. Next, question number 5. In question number 4, point C is called the midpoint of line segment AB. ध्यान से सुननी है मेरी बात। कहते हैं fourth question में जो point C है वो midpoint है, क्योंकि question में बोला है। हमने proof
हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया ना AC is equal to BC है, तो इसका मतलब C मिड पॉइंट है. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. नाउ एज इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड दैट C is the midpoint. If C is the midpoint, then only AC is half of AB. ठीक है? अब हमने क्या प्रूव करना है? कहते हैं ये प्रूव करो कि किसी लाइन का सिर्फ एक ही मिडपॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट का, सॉरी, एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिडपॉइंट होता है. तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे कि मान लेते हैं कि ये AB है, उसके दो मिडपॉइंट्स हैं. इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के लिए बेटा अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ये वाला प्रूफ सारा करना पड़ेगा. फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आपको फोर्थ क्वेश्चन का प्रूफ करना पड़ेगा, फिर आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है? सबसे पहले ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा, AC is equal to BC, AC is half of AB. यहां तक ये क्यों किया? पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग C is called the midpoint of line segment. अब इसके ये आप दोबारा से नोट करोगे जब आप फेयर में क्वेश्चन करोगे. अब इसके लिए अगले वाले प्रूफ के लिए कि हमने बताना है कि एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है, वी विल राइट, लेट अस सपोज लाइन सेगमेंट ए बी हैज टू मिड पॉइंट्स सी एंड डी. ये दो मिड पॉइंट्स हम सपोज करते हैं. अभी हमने फर्स्ट वाले जो इसे पहले वाला क्वेश्चन था उससे ये किया था कि अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी इज हाफ ऑफ ए बी किया था ना, अभी किया था, ए सी इज हाफ ऑफ ए बी. इसी तरह से अगर हम दो मिड पॉइंट लेते हैं तो हम लिख सकते हैं AC is half of AB, number one, and AD is half of AB. Yes, हमने दो मिड पॉइंट ले लिए, दो मिड पॉइंट लिए तो इसका मतलब AC भी AB के हाफ है और AD भी AB के हाफ है. From one and two, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी. दिस इज व्हेन इट इज पॉसिबल, जो ए सी है वो ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो ए सी ए डी के बराबर तो नहीं हो सकता ना. ए सी ए डी के बराबर कब होगा? ओनली व्हेन द पॉइंट सी एंड डी विल कोइंसाइड. ए सी इज इक्वल टू ए डी विच इज पॉसिबल only when C and D coincides. Therefore, a line segment has one and only वन मिड पॉइंट. राइट डाउन क्विकली. तो इस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन का प्रूफ करना है, वो वाली फिगर बना दो, फिर दोबारा से ये फिगर बना के ये सारा. अगर यहां से शुरू करोगे तो उसके नंबर कटेंगे. कि आपको कैसे पता है AC is half of AB? ये आपको तभी पता चला है ना जब आपने वो वाला प्रूफ किया है पिछले क्वेश्चन का. नोटेड? यस और नो?
बैठे yes, हाँ कुछ कुछ रिस्पॉन्स दिया करो मैम. yes, आगे चलें. क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरी स्मॉल क्वेश्चन. देखो फिगर है ये पॉइंट है बी ये पॉइंट है सी. गिव इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी. वेरी सिंपल. ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन. बोर्ड पे देखेंगे बच्चे ये ए सी है ये बी डी है. दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है बी सी. दोनों में कॉमन पोर्शन बी सी है. वी विल सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ द साइड्स. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर आर इक्वल. ठीक है ना. अब इधर देखो AC में से BC गया क्या बचा AB और BD में से BC गया क्या बचा CD. Hence prove. ठीक है. I'll take 1 minute extra for the last question. हमने दोनों साइड से बीसी क्यों माइनस किया था. क्योंकि हमने प्रूव करना ना ए बी इज इक्वल टू सी डी. देखो फिगर में देखो ए बी और सी डी हमने प्रूव करना है कि इक्वल है. अगर हम बीसी माइनस कर देंगे निकाल देंगे जो ये देखो ना बेटा आपके पास दो लाइंस हैं लाइन सेगमेंट ये इतना पोर्शन ए सी जिसमें बीसी आ रहा है. ठीक है बोर्ड पे दिख रहा है और ये पोर्शन बी सी डी ये पोर्शन इसके बराबर है. बी सी बी सी दोनों में कॉमन है. अगर मैं दोनों में से सेम पोर्शन सेम अमाउंट कट करती हूँ तो बचा हुआ पोर्शन भी इक्वल होगा. मेरे पास 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ है 5 सेंटीमीटर की दूसरी लेंथ की थ्रेड है. दोनों में से 2 2 काट दूंगी तो 3 3 बचेगा. अब फिगर के अकॉर्डिंग ये दोनों में है ए सी में भी और बी डी में भी. समझ आ गई बात. यस मैम. हाँ जी. इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. नाउ लास्ट 7th क्वेश्चन. व्हाई इज एक्सियम 5. अब इन्होंने एक्सियम 5 लिख दिया है तो इसका मतलब जो 5th वाला पॉइंट है हमारे एक्सियम में. पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक्सियम लिखा आएगा एक्सियम होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. कि why is axiom the whole is greater than the part axiom 5 में लिखा आएगा. why it is considered as a universal truth. तो आंसर बेटा आएगा because it is true for all the situations. because it is true for all the situations. हमेशा जो पूरा portion है whole whole मतलब complete वो किसी भी portion part से ज्यादा होता है. कोई भी चीज ले लो कोई पूरी चीज है वो उसके पोर्शन से तो ज्यादा ही होगी ना. इसीलिए इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ एज इट इज ट्रू फॉर ऑल द सिचुएशंस. फाइन. सो टुमारो 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट इन एक्सरसाइज. टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर एंड स्टार्ट द न्यू वन. फाइन. सो ऑल द क्वेश्चन यू नीड टू डू 4th, 5th, 6th, 7th. ठीक है. एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग. पूछना कुछ. चलो सी यू टुमारो बेटा.